बंदो गुरु पद कनिंज, कृपा सिंधु नरे रूप हरी, महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि करे निकर, अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान पूज्य पाद संत सदगुरु महर्षि में ही ब्रह्मानंद जी महाराज के वह पाद पद्मों में कोटि से नमन, व्यक्त रूप में मंचासीन पूज्य पाद योगीराज गुरु शरणानंद ब्रह्मानंद जी महाराज के पाद पद्मों में कोटि से नमन, आदरणीय बांके बिहारी जी सत्संग प्रेमी महानुभाव माता तथा बहनों, अभी हम लोग सत्संग चारों भाग से पाठ पढ़े सुने, कबीर बाबा की वाणी का पाठ का श्रवण किया हम लोगों ने, और बाद में अंत में महर्षि में ही पदावली से एक भजन भी हुआ। जो लोग यहाँ आज सत्संग श्रवण कर रहे हैं, कल के सत्संग में थे सब लोग थे, शाम के सत्संग में थे। अच्छा, तो जो पहला मंत्र पाठ हुआ सत्संग चारों भाग से, उसकी थोड़ी सी व्याख्या करता हूँ। पहला मंत्र है कि हमें बुद्धि योग करना चाहिए, फिर मानस योग करना चाहिए, फिर दृष्टि योग करनी चाहिए। ये बुद्धि योग क्या है, ये पहले बुद्धि क्या है फिर योग बताएंगे। ये बुद्धि क्या है, अंदर की वह इंद्रिय बुद्धि कहलाती है जिसका काम है कि क्या सार है और क्या असार है इसका विवेक करके अलग अलग दोनों को कर दे। सार कहने का तत्पर जो आपके काम की चीज है, असार जो बेकार चीज है, बेकाम की चीज है, जिसका जिसका जिसे हमें कुछ नहीं करना चाहिए, सार जो आवश्यक चीज है। तो संसार में सत्संग आवश्यक है और सत्संग के अतिरिक्त और जो भी काम है अनावश्यक है, ये बुद्धि होगी। ये सत्संग में निर्णय होता है कि क्या सार है और क्या असार है, क्या पकड़ना है क्या छोड़ना है, ये सत्संग में निर्णय होता है, इसलिए बुद्धि योग है। फिर मानस योग करने के लिए कहा गया, मानस योग में क्या करते हैं, मन से योग करते हैं, तो वो दो प्रकार का है, मानस जप है, मन से आह्वान मंत्र। गुरु महाराज ने जो आह्वान मंत्र बनाया है, जो आपके दीक्षा गुरु हैं जिन्होंने भी आपको दीक्षा दी है, जो उस मंत्र को बताए हैं उस मंत्र का जप करना, ये मानस जप है, और मन ही मन जप करना, ये मानस जप है। फिर मानस ध्यान है, जिसका आप मंत्र में आह्वान किए हैं उनके एक मूर्ति का ध्यान मानस ध्यान है। हमें कभी कभी दुख होता है कि कुछ लोग गुरु महाराज की मूर्ति के बजाय, चित्र के बजाय दूसरे की मूर्ति का ध्यान करते हैं, जो कि गलत है। एक बार हम आपको घटना सुनाते हैं, उज्जैन में एक वकील हैं, नाम मैं भूल गया, वो अंबानी वगैरह की वकीली करते हैं। एक बार हमारे कुछ वीडियो के भजन बहुत सारे यूट्यूब पर थे, हमारे एक दोस्त की सहायता से उसे मिल गया। वो पति पत्नी 3 बजे रात में हमारा भजन लगा के बोलता, अब आप ही का ध्यान करना शुरू कर दिया है दोनों, हमने की बंद करवा दीजिए दोनों को, ताकि हम भी गड्ढे में वो भी गड्ढे में जाएगा। तो गुरु गलत है उसका, आपको हमारा ध्यान करने लगे, अरे हम जब मुक्त हैं नहीं तो फिर हमारा ध्यान जो करेगा वो सब बद रहेगा। देवताओं के ध्यान को क्यों रोका गया है संत लोग में, क्योंकि देवता ने निर्वाण प्राप्त किया नहीं है, वो किसी एक जैसे को कोई लक्ष्मी माता है उनको पैसा मिलेगा और वो पैसा से आप सब कुछ नहीं कर सकेंगे उनकी भक्ति से। सरस्वती माता है, सरस्वती माता का पूजा करने से आपको विद्या बुद्धि बढ़ जाएगा और उस विद्या बुद्धि से आपको निर्वाण नहीं मिलेगा, दुख लगले रह जाएगा। इसलिए देवी देवता की भक्ति संत मत में नहीं की जाती है। क्या कहा कबीर बाबा ने कि 10 अवतार निरंजन कहिए, इन सिर लागी काई, इनके भरोसे ना कोई रही हो, इन्हूं मुक्ति न पाई, इन्हूं मुक्ति न पाई। देवताओं के भी ध्यान पर रोक लगाया कबीर बाबा ने। जो व्यक्ति निर्वाण पद को प्राप्त नहीं किया हो उसका ध्यान मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, उनका इज्जत करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। ध्यान केवल गुरु महाराज की एक मूर्ति का, एक चित्र का, गुरु महाराज के बहुत सारे चित्र आश्रम से प्रकाशित है और नेट पर है, उसका एक चित्र का मानस ध्यान किया जाता है।
फिर उसके बाद वही जब मानस ध्यान करते करते गुरु महाराज के चित्र को आप नयनाकाश के अंदर उगा लेंगे तो उनके पांव के नख में मणियों की ज्योति का दर्शन आपको होगा। उसी मणियों की ज्योति में ये शक्ति है कि आपके दृष्टि को वो साफ कर देगी और आपके दृष्टि जुड़ने की शक्ति को प्राप्त कर लेगी। मानस ध्यान में कोई सफल हुआ नहीं है, वो दावा अगर कह रहा है कि हम सूरत सदयोग कर रहे हैं वो झूठ बोल रहा है, वो धरती पर और आसमान की बात कर रहा है, ये संत वाणी सटीक में गुरु महाराज ने लिख दिया है। तो जब आप गुरु महाराज के पदनख में मणियों की ज्योति का दर्शन करेंगे, उसी के बारे में लिखा है कि श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। वही पद नख में गुरु महाराज के पांव के नख में मुनियों की ज्योति है जिसका सुमिरन करने से दिव्य दृष्टि होती है, वहां दिव्य दृष्टि प्राप्त करने की शक्ति प्रदान होती है, दृष्टि को जोड़ने की प्राप्त जुड़ जाने की शक्ति प्रदान मिलती है। अगर वहां तक आप नहीं पहुंचेंगे तो दृष्टि जुड़ती कैसे है, आपकी जुड़ने की स्थिति में दृष्टि की धारे होगी ही नहीं। इसलिए क्रम क्रम से होता है, जिसका मानस ध्यान सही सही नहीं बना है, उसका मानस जब सही सही नहीं बना है उसका मानस ध्यान नहीं होगा, और जिसका मानस ध्यान सही सही नहीं हुआ है उसका दृष्टि योग सही सही नहीं होगा, और जिसका दृष्टि योग सही सही नहीं हुआ है उसका सूरत संयोग में उन्हें प्रविष्ट कर ही नहीं सकेगा। ये क्रम बना हुआ है, जो पहला पास नहीं किया है दूसरा में जा नहीं सकता, ऐसा नहीं होता। एक विद्वान हमको कह रहे थे वो मानस ध्यान ही गलत बोल रहे थे, कहते थे कि आप नाद में कहाँ हैं, हम बोले पहले बताइए ना कि आप मानस ध्यान आप सही किए कि नहीं, फिर बताएंगे हम नाद में कहाँ हैं। उसका मानस ध्यान गलत था, वो गुरु महाराज की मूर्ति का ध्यान ही नहीं कर रहा था, दूसरे की मूर्ति का ध्यान कर रहा था। अब लीजिए, और जब प्रश्न करे तो नाद के नीचे बोलता ही नहीं था वो, और उसको ये भी नहीं पता था कि नाद मिलने के बाद भी, निर्वाण मिलने के बाद भी संत चरण में रहना पड़ता है। ये कह रहे हैं तुलसी साहब घट रामायण में लिखे, अगर आपको निर्वाण भी मिल जाएगा तो भी आपको संत चरण की सेवा करनी पड़ेगी। हम लोग कितना दिन से गुरुओं की सेवा कर रहे हैं, यह निर्माण के बाद भी करना पड़ता है सेवा, अवतार बनने पर भी सेवा करना पड़ता है। ये तुलसी साहब से मैंने घटनामायण के ग्रंथ से सीखा था, सब बात ग्रंथ में नहीं लिखा होता है, ग्रंथ में सब बात नहीं रहता है, कुछ बात तो व्यवहार में सीखनी पड़ती है। तो यह ग्रंथ के आधार पर भी मैं कहा, अनुभूति के आधार पर भी कहा। फिर है अब दृष्टि योग, दृष्टि योग में दृष्टि की दोनों धारों को आंखों को बंद करके अंदर में जोड़ने की क्रिया की जाती है, परंतु उतना आप जब सीधे जोड़ने का प्रयास करेंगे जुड़वे नहीं करेगी, दृष्टि की धारें जुड़वे नहीं करेगी। जुड़ने के लिए उसको जितना शक्ति पावर चाहिए वो मानस ध्यान की सफलता के बिना हो नहीं सकता। एक महापुरुष कह रहे थे कि मानस ध्यान में गुरु महाराज का जब चित्र उगता है तो उनसे बातचीत भी होती है ना। तो उसी के आधार पर हम निष्कर्ष निकाल दिए कि जिस विधि से गुरु महाराज के चित्र को उगाया जाता है उस विधि से तो और सबका भी उगाया जा सकता है। अगर मान लीजिए हम लक्ष्मी माता के चित्र को उगा लें और आप खराब जितना मांगना है मांग लें, उसे अपना सत्संग कराते रहें, तो हमको गुरु ने संदेह दिया कि तुमको एक रूप उगाने कहे थे कि 14 रूप उगाने कहे थे, एक के रूप में तो हड्डी फट जाती तब तक मरू के खत्म हो जाओगे, 14 रूप के चक्कर में फंसोगे, एक रूप को उगा लो बस, वहाँ दृष्टि का चिंता होगा, वहाँ से दृष्टि के वो निष्कर्ष मेरा ही निष्कर्ष निकला था कि यदि एक गुरु को मैंने उगा लिया और उसी तरह से अगर लक्ष्मी माँ का फोटो उगा लें तो खुद नोट उट का कोई दिक्कत नहीं होगा, भोज भंडारा चलता रहेगा, तो गलत है दृष्टिकोण गलत। आपको एक रूप उगाने कहा गया है, देवी देवता को उगाने नहीं कहा गया है। वहाँ पर आप उगा लिए, फिर दृष्टि की धारों को जोड़ने की शक्ति आपको मिल गई, दृष्टि की धारें आपकी जुड़ रही है, फिर वहाँ पर नाद का उदय होगा और नाद का श्रवण में आप अंदर प्रविष्ट करेंगे, है ना। तो ये आज का जो पाठ था, और भी आगे पाठ हुआ उसको मैं थोड़ा छोड़ता हूँ, और अंत में जो पाठ हुआ है गुरु महाराज के महामार पदावली से उसकी व्याख्या रखूंगा अभी। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहू जय जय राम। यहाँ किस राम की बात है? भगवान श्री राम जो अयोध्या के राजा थे उनकी बात नहीं है। मन रमन जिसमें करता है उस राम की बात है। मन रमन किसमें करता है? अयोध्या के राजा के राम के इसमें नहीं, मन रमन करता है परमात्मा में, है ना, उसको कहा गया इसमें। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहू जय जय राम, जयति जयति जय राम कहू राम राम, सब में व्यापक सबते न्यारा। ये राम सब में, सब मतलब हर घट में, हर घट मतलब आपके शरीर में, उनके 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 शरीर में, और मेरे भी शरीर में,
हर घट में हर शरीर में ये राम व्यापक हैं और सबते न्यारा है, सबके शरीर में रहते हुए वहाँ बड़ा न्यारा है, विलक्षण है। अच्छा, सब घट एक ही राम, और ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर का जो राम है अलग है और आपके अंदर का जो राम है अलग है, सब एक जैसा, सब एक जैसा राम है। सब घट एक ही राम हो राम राम। मेहंदी में लाली, घी दूध में, जैसे मेहंदी में लाली होती है और दूध में घी होता है, फूल में जैसे कि सुगंध होता है, फूल में बास समान, वैसे ही हम हर घट में राम हैं, हर शरीर में राम हैं। रूप न रंग नहीं, गंध स्पर्श, जो रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, ये सब जो संसार में हम दिखते हैं, ये सब के सब राम ने, जिसको आप देख सकते हैं उसको देखा नहीं जा सकता, दिव्य दृष्टि से भी जो कुछ दिखता है वो भगवान नहीं है, परमात्मा नहीं है। दिव्य दृष्टि से आप दूर की हर चीजों को देख सकते हैं, यहां से अरब सागर के नीचे, समंदर के नीचे क्या है वो दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं आप, और आसमान के ऊपर, और आसमान जहां खत्म हो जाता है वहां भी आप दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं, परंतु ये जितना भी देख सकते हैं ये सब के सब राम परमात्मा नहीं है। नहीं शब्द नहीं गंध प्रश्न, एक अनीह अकथ अनामा, वो क्या है, कैसा अकथ है, कह कह के हम थक जाएंगे। आप सत्संग सुनते सुनते, जितना देवघर के सत्संगी है सब भी सत्संग करा लेंगे, रोज कराते रह जाएंगे, जिंदगी भर कराते रह जाएंगे, उस राम को कह के समाप्त नहीं किया जा सकता, अकथ है, उसको कह नहीं सकते, वो तो अनुभव करने की चीज है, अनामा है, और उसका कोई नाम नहीं है। जैसे हमारा नाम गौतमानंद है, आपका नाम भी कुछ है, उनका नाम बांके बिहारी जी है, अब राम, जिस राम से आप राम को समझते हैं, वो ऐसे कहने को कह दिए, परंतु वो अनामा है, उसका कोई नाम भी नहीं है। एक अनी अकत नामा, आज अव्यक्त सो राम, वो अजन्मा है, वो अव्यक्त है, व्यक्त 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 क्या हुआ, व्यक्त जैसे हम आपके सामने प्रकट हैं, और वो अप्रकट है, हर जगह राम है, इसमें भी राम है, यहाँ भी राम है, इसमें भी राम है, लेकिन वो व्यक्त नहीं है, वो अव्यक्त है, इसमें राम नहीं है, तार में राम नहीं है, हर जगह राम है, परंतु प्रकट होता है। हर दम प्रभु रहे संग, कबहु भव दुख ना टरे, प्रभु हर जगह है, हर समय रहता है, परंतु दुख नहीं टारता है, टारते तो हैं गुरुदेव। मन बुद्धि इंद्रिय को गमना ही, वहां मन नहीं जा सकता, मन का क्या काम है, मन क्या है, यह अंदर की वह इंद्रिय है जिसका काम संकल्प और विकल्प करना है, जैसे यहां रहे चले जाएं, एक मन कहता है कि यहां रुक जाएं, एक मन कहता है चले जाएं, एक मन कहता है आज बांका जाएं, एक मन कहता है बांका नहीं जाएं, यह संकल्प विकल्प है, यही मन की अंदर की वह इंद्रिय जिसका काम संकल्प और विकल्प करना है, मन है। बुद्धि अंदर की वह इंद्रिय जिसका काम सार और असार का निर्णय करना है, क्या सार है, जैसे सत्संग सार है संसार का, आप संसार का सारा काम छोड़ दीजिए, केवल सत्संग करते रहिए, आपका संसार अच्छी तरह से निभ जाएगा और परमार्थ भी आपको हाथ लग जाएगा, ये सार है, इसी के लिए बुद्धि योग कराया गया था। मन बुद्धि इंद्रिय को गमना ही, कोई भी इंद्रिया है, इंद्रिया कौन कौन है, हाथ पैर मुख गुदा लिंग, ये कर्म इंद्रिया है ना, तो किसी भी इंद्रिय के द्वारा, किसी भी इंद्रिय की यह औकात नहीं कि परमात्मा तक पहुंच सके। कोई कहेगा कि हाथ से, हाथ को हम ऊपर ऊंचा उठा लेंगे योग की शक्ति से और आसमान में हाथ लगा के परमात्मा घींच के ले आएंगे, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, मतलब किसी भी इंद्रिय से परमात्मा को नहीं प्राप्त किया जा सकता। आत्मगम्य सो राम हो राम राम, परमात्मा को केवल आत्मा से ही पहचाना जा सकता है, शुद्ध आत्मा ही परमात्मा का दीदार कर सकती है, ये संतमत की फिलॉसफी है। कितने कितने लोग कबीर पंथी जो थे, पारक सिद्धांत वाले, वो कहते हैं कि परमात्मा आत्मा ही जो है वही परमात्मा है, लेकिन अपने संतमत में थोड़ा सा अंतर है, पारखी कहते हैं कि जो आत्मस्वरूप को प्राप्त कर दिया वो परमात्मा को प्राप्त कर लिया, आत्मस्वरूप को हम प्राप्त कर लिए एक बात है, और ये आत्मस्वरूप को जब हम प्राप्त करेंगे और तब ये आत्मा जिसका दीदार करेगी, जिसका प्रत्यक्षीकरण करेगी, वह परमात्मा है, ये आत्मा परमात्मा नहीं है। आत्मगम्य सो राम राम,
आत्मा के द्वारा परमात्मा को जाना जा सकता, ऐसा नहीं कहा कहा गुरु महाराज ने कि आत्मा ही परमात्मा है, परंतु पारखी कहते हैं कि अगर हम आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लिए, क्योंकि जब आत्मा को प्राप्त कर लिए, जब कार है तो हम रास्ता तय ही कर लेंगे, ये वो कहते हैं, अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। अगर कार है और डीजल पेट्रोल है तो रास्ता तय कर लेंगे, निश्चित है ना, तो वही बात है। आत्मस्वरूप को जैसे प्राप्त कर दिए, तो चूंकि वह आत्मा परमात्मा को देखने में सक्षम है, इसलिए पंथी कबीर पंथ पारखी कह देते हैं कि नहीं नहीं आत्मस्वरूप जो है वही हमारा अपना स्वरूप है, वही परमात्मा है, वह परमात्मा अपने यहाँ नहीं है। आत्मा जिसका दीदार करती है, निर्वाण होने के बाद क्या क्या होता है, यह घटरामायण के आधार पर मैं सुना रहा हूं, मैंने नहीं लिखा, यह तुलसी साहब ने लिखा है। जीव एक पलंग पर जाकर सोता, वो पलंग कैसा है जब हम सोएंगे तब पता चलेगा, बाबा को हमसे ज्यादा पता होगा। उस पलंग पर सोता है और जैसे पत्नी पति का पलंग पर दीदार करती है, वैसे जीव आत्मस्वरूप को प्राप्त जीव पिया परमात्मा का दीदार करता रहता है, और वहां के सुखों का बहुत लंबा वर्णन है घटरामायण में, बेल्वेडियर से प्रकाशित है, हिंदी में भी अनुवादित है, उसको मंगा कर पढ़िएगा तो बहुत आनंद आएगा। एक खाका मिल जाता है कि निर्वाण होने पर कैसा क्या होगा, ये हमने तो निर्वाण प्राप्त नहीं किया, उन्होंने जिन्होंने प्राप्त किया उसने लिखा, वो मैं सुना रहा हूं, उसके आधार पर कह रहा हूं। तो आत्मगम्य परमात्मा को आत्मा के द्वारा ही जाना जा सकता है। पिंड में गुप्त ब्रह्मांड में गुप्त सो, पिंड में अंदर में, पिंड मतलब शरीर और ब्रह्मांड ये इसके ऊपर का भाग जिसमें हम लोग ध्यान करते हैं, ये नासिका के ऊपर का भाग, तो पिंड में भी परमात्मा नहीं मिलता और ब्रह्मांड में भी परमात्मा नहीं मिलता। आप जब चेतन मंडल का काम करेंगे तो चेतन मंडल में आकाश में बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर आप उड़ेंगे, और कहते हैं कि लोग आकाश जहाँ खत्म हो जाता है उसके बाद भी अगर आप पार कर जाएंगे, यहाँ तक पार करना तो बहुत कठिन है, पार अगर कर भी जाते हैं तो वहाँ भी परमात्मा गुप्त है, वहां व्याप्त नहीं है। गुप्तता परमात्मा होने का एक बहुत बड़ा गुण है, वहां परमात्मा गुप्त है। पिंड में गुप्त ब्रह्मांड में गुप्त सो अत्यंत विलक्षण राम, हर जगह गुप्त है, सीक्रेट सीक्रेसी इज एन एट्रीब्यूट ऑफ द लॉर्ड, सीक्रेसी परमात्मा के गुण है, परंतु हम लोग में ऐसी क्षमता नहीं है, हम लोग को कुछ मन में आता है कहीं छिपा सकते हैं कहीं व्यक्त कर देते हैं जाकर के, ऐसा परमात्मा नहीं है। देखिए सीक्रेसी अगर परमात्मा के एट्रीब्यूट नहीं होते, गुण नहीं होते, यहां परमात्मा है आपके घर में, कितना दिन से परमात्मा है, कहां नहीं है परमात्मा, लेकिन आप कहीं किसी को कोई बोल सकता है कि इस दीवार से कभी परमात्मा निकल के आपको दर्शन दिए हैं, बोल सकते हैं ऐसा नहीं दिए, परंतु है, दर्शन देते नहीं है, यह उनका गुण है। पिंड में गुप्त और ब्रह्मांड में भी गुप्त है, ब्रह्मांड आसमान के ऊपर चांद तारे सूर्य उसमें और उसके भी ऊपर, और जितने ब्रह्मांड है वो ब्रह्मांड और ब्रह्मांड के ऊपर सबके परे भी जाइएगा तो वहां परमात्मा आपको गुप्त मिलेगा, क्योंकि गुप्तता परमात्मा तत्व होने का एक बहुत बड़ा गुण है, वो व्यक्त नहीं करेगा तो कैसे होगा, आपको खुद वहां तक जब जाइएगा तब वो प्रकट कर सकता है, ऐसे नहीं करेगा प्रकट। हम आपको एक घटना भी सुनाएंगे इसके बाद, थोड़ा देर के बाद, व्याख्या के बाद। पिंड ब्रह्मांड परे प्रत्यक्षसों, पिंड और ब्रह्मांड के परे हैं वो, और वहीं पर उनका प्रत्यक्ष किया जा सकता है। सबर परे परधाम, सबके परे उनका घर है, पिंड और ब्रह्मांड के परे हो राम राम। गुरु भक्ति करी गुरु लही भजी भजी, गुरु की भक्ति करके और गुरु का भजन करके में ही पाइए ध्यान राम, उसमें ही बाबा कहते हैं कि उस राम को गुरु की भक्ति करके गुरु का भजन करके प्राप्त किया जा सकता है। एक छोटा सा कह के 2 मिनट में खत्म करेंगे। एक बार हमको हुआ क्या, हम भजन गा रहे थे, भगवान कृष्ण के भजन गा रहे थे, हम बोले कि जब तक ये दर्शन नहीं देंगे हम भजन गाना बंद नहीं करेंगे, और हम तभी रोगग्रस्त भी थे, कोई रोग था, रोग याद नहीं आ रहा है कौन सा रोग था, तो बहुत प्रकट करने का प्रयास किया, रोग में भी कुछ गाते बजाते थे हम, उतना भयानक नहीं था तो गाते थे, तो अचानक देखते हैं भजन करते 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 वो भजन में भूल गया, अभी कभी याद आएगा सुना देंगे, तो देखते हैं भगवान कृष्ण आते हैं, बोले कि बुखार उखार है तुमको, अच्छा तो मेरे माथे पर ऐसे करके हाथ ऐसे रख दिए, श्याम वर्ण का था, तो हम बोले इस आने से आपको एक उदाहरण देंगे, हम बोले कि इतना दिन से हम बीमार पड़े हैं, जिंदगी भर आपको हम भजन गाते रहे, पूरी दुनिया को भजन कराते रहे, कम से कम बीमारी तो देखने आना चाहिए था, इसका कौन खोज खबर लेगा, हमको न सेवक है न परिवार है न बच्चा है, कौन देगा, तो केवल एक श्याम वर्ण का एक हाथ आया और हाथ धो दिए,
माथे पर रख दिया। तो हम लोग हुजूर ये क्यों? लेकिन देखने आए थे तू कितना बीमार है, तुम्हारी चिंता हो गई। तो हम बोले कि बस इतने ही, हमारा आपका संबंध इतने ही, और दवा दारू ला कर कौन देगा, तो खाली आप देख लिए। बोला कि छोटी सी भक्ति करता है, सब व्यक्तता अभी ये चाहता है, और करेगा तब और देंगे, अभी खाली देख लिए हैं जाओ। तो गुप्तता, इतना भक्ति करने पर भगवान खाली हाथ रख दिए, दवा लाने नहीं गए, दवा तो जब हमको पैसा मिला तब लेके आए। तो गुप्त भगवान को प्रसन्न करना ही सबको प्रसन्न करना है। आप धरती पर नेता को प्रसन्न कर सकते हैं, उसको नोट चढ़ा दिए नेता तुरंत खुश हो जाएगा। अभी मंत्री के पास जाइए 10 लाख का दे दीजिए, मंत्री तुरंत आपका काम करने लगेगा। लेकिन भगवान को इतना आसानी से मत लीजिएगा, भगवान इतना आसान चीज नहीं है। हड्डी फाड़ के भजन गाते रह गए केवल खाली ऐसे छूने के लिए आए थे कि हाँ तो मेरा पुत्र है, चलो छू देते हैं, बस इतने की, दवा दारू नहीं लाए। तो सोच लीजिए भगवान को रिझाना के लिए ही हम धरती पर आए हैं, और रिझाते रिझाते ही उनको खुश करना ही हम सबों का काम है। और इसके साथ मेरा समय भी खत्म होता है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग पूज्य जो है कि योगीराज शमशानवासी एकांतवासी तपस्वी महाज्ञानी महात्यागी सर्वत्यागी बाबा गुरुशरण रानंद जी महाराज के श्रीमुख से अनुभवात्मक वाणी सुनेंगे, और इनके हर जो हाथ जो उठते हैं केवल आशीर्वाद के लिए ही उठते हैं, जब तक ये शरीर में रहे सबको देते ही रहे, कुछ लेते नहीं रहे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब बाबा की तरफ माइक दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।